उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के रतिभानपुर पुलराई गांव में सत्संग त्रासदी मरघट जैसा सन्नाटा है। भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 116 लोगों की जान गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे रतिभानपुर पुलराई गांव का दौरा करेंगे। यहां से वह आगरा रवाना होंगे। गांव में सत्संग स्थल पर फॉरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वायड मौजूद है। इस त्रासदी से हर कोई गमजदा है, देश शोकाकुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही शोक जता चुके हैं। चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। इस त्रासदी पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 110, 126, 2, 223 और 238 के तहत मुख्य सेवादार कहे जाने वाले देव प्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अधिकारियों ने मृतकों की संख्या 116 बताई है, जिनमें 108 महिलाएं, 7 बच्चे और 1 पुरुष है। भोले बाबा को दबोचने के लिए पुलिस हाथपांव मार रही है। वह भूमिगत है, उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है। हाथरस के CMO मंजीत सिंह ने कहा है, यहां पर 10 मरीज भर्ती हैं और सभी की हालत स्थिर है। यहां 38 शव आए थे, इनमें से 4 को आगरा भेजा गया, बाकी 34 में से 30 शवों का पोस्टमार्टम कर भेज दिया गया है। 2 को अभी भेजा जाएगा और 2 अज्ञात हैं। CMO आगरा डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा है, 21 शवों में से 17 की पहचान हो चुकी है और 4 अभी भी अज्ञात हैं। 10 से अधिक पोस्टमार्टम हो चुके हैं। 1 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था और वह अब खतरे से बाहर है। भोले बाबा का आगरा में सत्संग प्रस्तावित था, उस पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ADG आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में घटना के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने रात को गांव पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर घटनास्थल पर पहुंचे 3 मंत्रियों असीम अरुण, संदीप सिंह और लक्ष्मी नारायण चौधरी ने रात को यहां निरीक्षण किया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचेंगे। हाथरस जिला प्रशासन ने आम लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0572227041 और 0572227042 जारी किए हैं। भोले बाबा उर्फ साकार विश्वहरि का असल नाम सूरजपाल है। वह उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल रह चुका है। साथ ही इटावा में लगभग 28 वर्ष पहले लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात रह चुका है। वर्तमान में उसके पास बाबा राम रहीम जैसी खुद की सिक्योरिटी टीम है।